तो गाइस होटल से हम लोग फ्रेश होकर के अब चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ से हम बढ़ेंगे श्रीनगर की तरफ। अब प्रॉब्लम यह है कि श्रीनगर के रास्ते पे कहीं पे लैंडस्लाइड बता रहे हैं, लेट हम हो चुके हैं और अभी हमें पोस्टपेड सिम भी ढूंढने जाना है। एक बार पोस्टपेड सिम मिल जाए हम लोग जम्मू एंटर करके, जम्मू यहाँ से हार्डली 15 किलोमीटर में उसका बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पार करते ही नेटवर्क चले जा रहे हैं, तो ना मैप देख पाएंगे ना किसी से कॉल करके कोई आगे का अपडेट ले सकते हैं। तो देखो क्या होता है आगे। लवली फोटो स्टूडियो, क्या हमें यहाँ पोस्टपेड सिम मिलेगा? भाई ये शॉप देखो आप, ये लवली फोटो स्टूडियो के जस्ट बगल में है और यहाँ पे हमारा पोस्टपेड सिम एक्टिवेट हो गया है। बहुत मुश्किल था, अब ये कहीं और हम कराते तो बहुत टाइम लगता, लेकिन यहाँ भैया ने इतनी तेज़ काम किया है। और मैं शॉप का नाम पूछ के आपको बता देता हूँ, भैया हैं यहाँ पे, इन्होंने किया है जल्दी से। भैया शॉप का नाम क्या है आपकी? लवली फोटो स्टूडियो। अच्छा, ये लवली फोटो स्टूडियो के बगल में आपका ही है? हाँ जी, ये दोनों हमारी शॉप। तो आप जम्मू की तरफ जा रहे हो, आपको पोस्टपेड सिम लेना है, इस दुकान में आना है, गूगल मैप पे होगा। हाँ जी, गूगल मैप पे डालो और यहाँ पे आकर ले आओ। भैया ने सुपर फास्ट स्पीड में किया, कहीं और जाते तो हमें आराम से 2 घंटे लगते हैं एक्टिवेट कराने में। इसका लिंक मैं मैप का भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पटनी टॉप के सारे होटल्स में हम कॉल कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी फोन उठा नहीं रहा है और ये एक सस्पेंस बना हुआ है जो नितिन को नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूजुअली होटल जो हैं कॉल्स उठा के डायरेक्ट बुकिंग करने की कोशिश करते हैं और अगर होटल की बुकिंग नहीं दिखाएंगे तो शायद हमें रास्ते से लौटा दिया जाएगा, ऐसा अपडेट अभी हमें बताया गया है। देखते हैं क्या होता है। तो हम फंस गए हैं जाम में, पहला जाम मिला है हमें अभी तक जब से हम देहरादून से निकले हैं। बेसिकली कोई जो मेन रूट है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, उस पर कुछ शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया हुआ है और ये जो अंदर से रास्ता जा रहा है ये बहुत पतला रास्ता है और गूगल मैप से हमें कैसा दिख रहा है। तो गाइज वहां से तो हम निकल गए थे लेकिन यहाँ आकर के आगे कुछ दूर फिर हम फंस गए। ये जो भीड़ आगे आपको दिखाई दे रही है, आगे जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे एक ब्लैक बैग मिला है और आर्मी उसको वहां पे अभी इसको डिटेक्ट कर रही है कि बैग में क्या है। तो पिछले 15-20 मिनट से तो हम ही खड़े हैं यहाँ पे, जाम लगा हुआ है जस्ट इन केस कोई बॉम्ब वगैरह, क्योंकि ये वही रास्ता है जो अमरनाथ यात्रा जाने वाले लोग यूज कर रहे हैं। पठानकोट से आ रहा है पीछे से रास्ता, अभी काफी टेंस डे इधर माहौल, काफी सारे लोग ये सुनने के बाद अपनी गाड़ियां मोड़ के वापस भी चले गए हैं। डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया अब यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी सामने आपने देखा किस तरह से आर्मी खड़ी है नाकाबंदी करके, पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है, मीडिया वाले भी अब आ गए हैं, शायद बॉम्ब स्क्वाड का इंतजार हो रहा है। एक बार बॉम्ब स्क्वाड आ जाएगा तो उसको आने के बाद जो भी प्रोसीजर में टाइम लगता होगा वो लगेगा, तभी रास्ता खुल पाएगा। और अभी तक दोनों साइड हजारों की संख्या में जो है गाड़ियाँ अब खड़ी हो गई होंगी, तो जब जाम खुलेगा भी तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहेगा कह नहीं सकते। देखिए ट्रैफिक खोलते ही ऐसे भगदड़ मची है जैसे कि अभी ब्लम ब्लास्ट हो गया यहाँ पर। चलो भैया फाइनली पौने 2 घंटे के इंतजार के बाद ये जाम, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा है यहाँ पे नज़ारा, अभी थोड़ा सा रुक के हमने ब्रेक लिया है क्योंकि अच्छा सा व्यू है, गाड़ी चलाते चलाते थक गए थे, सुबह से सिर्फ जाम मिल रहा है
ये जो पीछे पूरा पहाड़ है सारा लैंडस्लाइड जोन है, जगह जगह बड़े बड़े पत्थर वगैरह गिरे हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉर्नर पे स्पेस मिली तो रुक गए यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। होटल तो अभी बुक नहीं किया है क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि पुलिस आगे जाने देती है कि नहीं देती है, तो कहीं हमने होटल बुक कर लिया पहले ही और फिर पुलिस ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस रोक क्यों रही है ये नहीं पता, लेकिन सब होटल वाले कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं आने देंगे कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:15 और फाइनली हम पहुंच गए हैं वन हेरिटेज होटल। अंदर पहुंच के बात करते हैं। काफ़ी डिसेंट है इस वक्त हमें, एक मिनट, इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है पटनी टॉप में, तो ये रूम हमें काफ़ी रीजनेबल रेट्स में मिल गया। यहाँ काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, गुड वाइब, ये जो वुडन वर्क हुआ हुआ है इसकी अच्छी स्मेल आ रही है। कुछ खाते हैं जल्दी से। आपने कभी होटल के रूम के अंदर केटल के अंदर नीचे बेस में निशान बना हुआ देखा है? अभी नितिन से बात हो रही थी, लोग क्या करते हैं होटल में आके, हाँ होटल में आके लोग इसके अंदर मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो इस केटल के अंदर चाय और मैगी नहीं बनानी है क्योंकि इसके बेस पे जो है निशान पड़ जाता है। दूध का ये उबले दूध का ये, तो ये खराब तो नहीं हुई होगी? खराब नहीं हुई, किसी ने उबला दूध डाल दिया होगा कि निशान पड़ गया है बस। तो रात के बज गए 10:30, डिनर हमने कर लिया है और सब दोस्तों से फ़ोन पे बात भी हो गई है। अब आज का अपडेट बता देते हैं। सुबह सुबह हम गए, सबसे पहले होटल से निकलने के बाद हमने 2 पोस्टपेड सिम्स लिए, उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे जो भैया थे उन्होंने काफ़ी हमारी अच्छी हेल्प करी, हमें गाइड भी करा कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। फिर रास्ते में वो जो बॉम्ब वाला इशू हुआ जिसमें कुछ नहीं निकला और रास्ता फिर क्लियर हो गया था 2 घंटे बाद, उसके आगे हम GPS वगैरह की वजह से थोड़ा भटकते रहे। फिर जब हम पटनी टॉप से करीब 20-25 किलोमीटर पहले उधमपुर शहर के पास पुलिस आपको रोक लेती है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है और अगर पत्थर गिर रहे होते हैं तो आपको रोक लेती है और बोलती है कि आगे नहीं जाना है क्योंकि रास्ता ख़राब है। बट अगर आपके पास पटनी टॉप के होटल की बुकिंग है, आप उन्हें दिखाते हो, तो आपको जाने देंगे। तो हमें भी रोका, हमसे पूछा, हमारे पास तब बुकिंग नहीं थी, उन्होंने कहा बुकिंग लेकर के आओ तब हमें दिखाना तब जाने देंगे। तो हमने रोड साइड गाड़ी लगा के बुकिंग करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि हमारे सिम कार्ड्स जो बैंक से कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास वो OTP जो बैंक का है, जो भी हम अपने कार्ड की डिटेल्स डाल रहे थे, वो नहीं आ पा रही थी। फिर किसी से कह के जैसे तैसे हमने यहाँ होटल में बुकिंग कराई। अब यहाँ आते हुए पता चला है कि कल के लिए रास्ता खुलेगा नहीं, ये हमें रात में 3 बजे के बाद पता चलेगा। तो अगर वो रास्ता खुला होगा तो आगे जा पाएंगे, और जैसे कि अभी न्यूज़ में आ रहा है कटरा में आज तक की रिकॉर्ड बारिश हुई है और वहाँ के रामबन वगैरह के स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और अगर खुला रहा तो फिर या तो श्रीनगर में रुकेंगे या फिर करगिल में रुकेंगे। यहाँ से लेह अभी 600 किलोमीटर है, करगिल 480 किलोमीटर है और श्रीनगर यहाँ से 168 किलोमीटर है। तो आगे क्या होता है ये कल पता चलेगा। फिलहाल हम अपना सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटनी टॉप। ये मेरे पीछे लग रहा है शानदार नज़ारा, और सुबह के 7 बज रहे हैं। हम मोस्ट प्रॉब्ली एक और घंटे में 8 बजे से पहले पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम करगिल पहुँच जाएँ, जो कि यहाँ से 366 किलोमीटर्स दूर दिखा रहा है। मुझे लगता है पहुँचते शाम ही हो जाएगी। अच्छी चीज़ ये रहेगी कल सुबह उठ करके हम वॉर मेमोरियल देख पाएंगे, जो कि ये जो प्लान हमने पूरा बनाया है कि 26 जुलाई से पहले पहले आना है, जो कि करगिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, उस दिन से पहले हम करगिल भी हो आएँ और आपके लिए ये वीडियो भी अपलोड कर दें।
नितिन की चाय रेडी है, मैं पी रहा हूँ गर्म पानी। अब मैं इसके आगे ट्रेन चेंज होता जाएगा तो कैफीन अवॉइड करूँगा। तो मिलते हैं यहाँ से आगे बढ़ के। तो अभी हम लोग पटनी टॉप से श्रीनगर के रास्ते पे हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शायद कल श्रीनगर से जो लेह का हाईवे है वो मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है फ्राइडे को। तो अगर वो बंद रहता है तो आज हम श्रीनगर नहीं रुक सकते, लेकिन अगर वो खुला रहता है तो आज हम श्रीनगर रुक के थोड़ा डल लेक वगैरह घूम सकते थे। बट कोई पुलिस वगैरह दिखाई देती है तो उनसे रुक के पूछते हैं कि क्या सीन रहता है। अगर कल बंद रहेगा तो फिर आज सीधे कारगिल के लिए निकल जाएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें अक्सर आएंगी जो हमारे बस में नहीं, इसलिए आज हमें लौटना पड़ रहा है। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, हम फिर से लौट के आएंगे बहुत जल्द।